जी हाँ, वह भाई बेट भाइयों, भाई देखिए ना, आज का ये मौका बड़े ही सौभाग्य से हम सबको मिला हुआ है। सखी साहित्य परिवार और लायंस क्लब में इस प्रांगण में हम आप मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुस्तक का विमोचन भी हुआ। भाई देखिए ना, हम अपनी संस्कृति और साहित्य को बचाना चाहते हैं तो लिखना तो पड़ता है साहब। जब हम कवि लिखते हैं तभी आप पढ़ते हैं और पिछले कई महीनों में, सालों में, कालखंडों में क्या हुआ है उसे जान पाते हैं, है ना। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जैसा कि अमित आनंद जी ने कहा कि हम एंकर ज्यादा हैं, प्रोफेशनल एंकर हैं साहब, हम कविता कहानी से बहुत दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं था। शायद आज ये पहली दफा हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश भोजनालय ने हमें आमंत्रित कर दिया था और अब हमारे सूचना अधिकारी मिस्टर ओम प्रकाश उपाध्याय जी और तमाम सारे कवि जिनको मैं जानता भी हूँ, नहीं भी पहचानता तो सबको नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और एक चंद लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति बचा ही नहीं होगा जिसकी जिंदगी में ये चंद लाइनें प्रभावित नहीं करती होंगी। आप ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि शेर जाल में फंस जाला तसियरो आंख दिखावेला। शेर लाइन लाइन जंगल वाला, शेर जाल में फंस जाला तसियरो आंख दिखावेला, और बुरा वक्त जब आ जाला त अनहरो राह दिखावेला। जो खुद नहीं चल सकता चंद कदम वो भी रास्ता बताता है। कहा है कि शेर जाल में फंस जाला तसियरो आंख दिखावेला, और बुरा वक्त जब आ जाला त अनहरो राह दिखावेला। और कभो कभो ऐसन होला कि छोटके कामे आवेला। आपके करोड़पति लखपति दोस्त बहुत होंगे लेकिन जब आप मुसीबत में फंसते हैं ना तो छोट जिसको आप निकृष्ट समझते हैं, दो कौड़ी का समझते हैं, वही काम आता है। कैसे? कभो कभो ऐसन होला कि छोटके कामे आवेला, देखीला सागर मींस समुद्र, देखीला सागर इनार, इनार मतलब कुआं, देखीला सागर इनार में इनरे प्यास बुझावेला। और जो लोग बाहुबली बनते हैं, ताकतवर बनते हैं, उनके लिए कहा है कि सूरज से ज्यादा ताकतवर ए दुनिया में के बाटे। सूरज से ज्यादा ताकतवर ए दुनिया में के बाटे, जहां पे लोहा लकड़ी ईंटा पत्थर राख के सिवा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन सूरज से ज्यादा ताकतवर ए दुनिया में के बाटे, लेकिन धुंध कुहासा बदरी ग्रहण उनको ऊपर आवेला। दूर रहीला पास रहीला हम तो करीला रगड़ा और झगड़ा, और दूर कहीं चल जाल तब बस तोहरे याद सतावेला, बस तोहरे याद सतावेला। इन्हीं शब्दों के साथ समय अभाव के कारण मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ। कुछ कवियों के द्वारा लिखे हुई कुछ शब्द और कुछ पंक्तियां आप उनके मुखारविंद से सुन पा रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है भैया कि आप अपने कानों को खुला रखिए, अपने दिल के हार्ड डिस्क में उनके शब्दों को लोड करते रहिए और फिर पूरे पूरे शब्दों का और लेखनी का और कथनी का, उनके कविताओं का आनंद लीजिए। कमाल करते हैं साहब।